छपरियों के साथ क्या सेल्फीज लेनी हो, रील्स बनानी। सर बोलते हैं हमें तो रिएक्ट क्यों कर रहा है यार, बोलते कुत्ते भोंकते रहते हैं, इंसानों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज जितने भी मेरे दोस्त है वो तो छोड़ के चले गए, तू कब जाएगा। स्टोरी में हनुमान जी कैरेक्टर वाइज भाई स्ट्रॉन्ग बंदा, ये भाई वो कॉमेडी दिखा रहा यार। सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे चैनल में 1K होने में बहुत ही कम सब्सक्राइबर बचे हैं। कोई भी मेरा भाई अगर नया आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें 1K जल्दी करने हैं। एनीवेज बढ़ते हमारी फर्स्ट अपडेट की ओर। फर्स्ट अपडेट आ रही है आमिर माजिद की ओर से। कुछ दिन पहले आशीष ने आमिर माजिद को छपरी कहा था, पहले वो क्लिप देख लो। छपरियों के साथ क्या सेल्फीज लेनी और रील्स बनानी। एंड इसी का रिप्लाई करते हुए आमिर माजिद के फ्रेंड ने और आमिर माजिद ने कुछ ये कहा आशीष सर को, श्रीनगर आता हूँ बहुत हेल्प रहती है सर की, बहुत प्यारे इंसान है भाई। सर बोलते हैं हमें तो रिएक्ट क्यों कर रहा है यार, बोलते कुत्ते भौंकते रहते हैं, इंसानों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरे को ना ये बात सुन के बहुत वो लगा कि यार नहीं, अपने जो है ना उनको भी मालूम है। So, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, नेक्स्ट अपडेट भी आमिर माजिद की ओर से आ रहा है। आमिर माजिद ने इश्तियाक जी को ट्रोल करते हुए कुछ ये कहा, इसको कभी कभी पूछता हूँ मैं यार एजाज, मुझे ये बता तू मुझे छोड़ के कब जाएगा यार, कब वो टाइम आएगा जब तू जाएगा, बिकॉज जितने भी मेरे दोस्त है वो तो छोड़ के चले गए, तू कब जाएगा। वो कहता है भाई क्यों जाऊंगा छोड़ के, मेरा तेरे साथ क्या मतलब है। मैंने उसको एक बार फोन किया, मैंने कहा कि जा चलते हैं, और बंदा कहता कि यार चलूंगा कोई टेंशन नहीं। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। एनीवेज बढ़ते हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है UK07 राइडर की ओर से। जैसे कि पता है UK07 राइडर अभी लद्दाख ट्रिप के लिए रेडी हो गई है। आज के व्लॉग में UK07 राइडर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सवेरा राइट्स को ट्रोल किया। तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देख लो। चलो 3-2-1 काटो, जैसे वो काट दी गई थी। बेसिकली जो UK07 राइडर की एक्स गर्लफ्रेंड थी सवे राइट, वो UK07 राइडर का काट के गई है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज बढ़ते हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आलविश यादव की ओर से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि न्यू मूवी आई है आदि पुरुष, उसी के ऊपर रिव्यू देते हुए आलविश यादव ने कुछ ये कहा, मतलब सबसे पहले अगर तुम प्रोफेशनलिज्म की बात करो तो 600 करोड़ रुपए जैसे फिल्म पे लगा रखे, तो 600 करोड़ की भाई फिल्म नहीं है ये, तो बहुत कम बजट की मूवी होनी चाहिए थी। अगर कायदे से देखा जाए तो इन्हें पैसे मांग लगाई है इन्होंने, बल्कि बेइज्जती कर रखी है। क्या क्या चीज में, एक तो डायलॉग्स में, स्क्रीन प्ले में, स्टोरी में, हनुमान जी कैरेक्टर वाइज भाई स्ट्रॉन्ग बंदा ये, भाई वो कॉमेडी दिखा रहा है यार, मतलब वो हंसा रहा है भाई बंदों को की, और डायलॉग्स भी टपोरी टाइप मारा, मतलब यार उनका एक लेवल है, वो भगवान, एक तो भगवान ही तो है। सो ये मूवी अभी किसने किसने देखी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको कैसी लगी वो भी बताना। सो आज की वीडियो यहीं तक, अगर चैनल पे न्यू आ रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।